इसके बाद में नेक्स्ट फिर पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस एंड विड्थ इन इंटरफेरेंस, डबल स्टार लगा लो इसके ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम ये फाइंड करेंगे कि जो इंटरफेरेंस के अंदर फ्रिंजेस बनती हैं स्क्रीन के ऊपर, उनकी पोजीशन क्या होगी और उनकी विड्थ कितनी होगी, ये हम कैलकुलेट करके देखेंगे मैथमेटिकली, ठीक है। तो यहां पे देखो हमने क्या किया हुआ है, ये एक लाइट का सोर्स रखा हुआ है, ये है सोर्स ऑफ लाइट, और ये कार्डबोर्ड है जिसके ऊपर दो होल कर रखे हैं जिनको हम स्लिट्स बोलते हैं। तो ये है स्लिट S1 और ये है स्लिट S2, और सामने किसी कैपिटल D डिस्टेंस के ऊपर हमने स्क्रीन को रखा हुआ है। स्क्रीन कितनी दूरी पर रखा हुआ है, कैपिटल D डिस्टेंस पर रखा हुआ है। मान लो कि दोनों स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल d, दोनों जो स्लिट्स है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल d के बराबर है। अब हमें ये फाइंड करना है कि स्क्रीन के ऊपर आपको कैसी फ्रिंजेस मिलेंगी, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, डार्क फ्रिंज मिलेगी, और किस पोजीशन पे मिलेंगी, और स्क्रीन के सेंटर से उनकी दूरियां क्या होंगी, और इसके अलावा फ्रिंजेस की विड्थ कितनी होगी, ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करके देखेंगे। इसमें बिल्कुल आसान डेरिवेशन है। हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो स्क्रीन का सेंटर पॉइंट है जिसको हम सी बोल देते हैं, सेंटर पॉइंट के ऊपर कौन सी फ्रिंज बनेगी, ये देखते हैं पहले। तो ये जो लाइट का सोर्स है ये यहां से वेव फ्रंट को एमिट करेगा, वो जो वेव फ्रंट है वो आगे बढ़ता बढ़ता इस स्लिट के ऊपर इंसिडेंट होगा। जैसे ये लाइट का सोर्स है, ये इस तरीके से वेव फ्रंट को एमिट करेगा, और ये जो वेव फ्रंट है ये आगे बढ़ता बढ़ता इस तरीके से इस स्लिट के ऊपर इंसिडेंट होगा। ये जो स्लिट्स हैं इनके ऊपर इस वेव फ्रंट के जो पॉइंट्स होंगे, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये दो लाइट के सोर्सेज की तरह बिहेव करेंगे जिनको हम कोहेरेंट सोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये दोनों पॉइंट्स किसकी तरह बिहेव कर रहे होंगे, कोहेरेंट सोर्सेज की तरह बिहेव कर रहे होंगे। तो यहां से सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब हम बात कर रहे हैं स्क्रीन के सेंटर की, तो यहां पे जब सेकेंडरी वेवलेट्स पहुंचेंगी तो S1 स्लिट से आने वाली जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं और S2 स्लिट से आने वाली जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं उनको बराबर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम में आपको एक सिमेट्री दिखाई दे रही होगी। ये डिस्टेंस कितनी है, डी है ना, स्मॉल डी। इसका हाफ डिस्टेंस क्या होगा, डी बाई टू, नीचे वाली हाफ डिस्टेंस भी डी बाई टू, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल डी। तो अगर आप इस ऊपर वाले ट्राइंगल को ध्यान से देखोगे तो उसमें ये जो हाइपोटेनियस आएगा और इस नीचे वाले ट्राइंगल के अंदर जो हाइपोटेनियस आएगा उसकी लेंथ बराबर आएगी। अगर आप सॉल्व करके देखोगे ना पाइथागोरस थ्योरम से, तो ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल एग्जैक्टली सेम होंगे, और इसकी वजह से ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या आएंगी, बराबर आएंगी। तो जितना डिस्टेंस S1 स्लिट से चलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स को कवर करना पड़ा, उतना ही डिस्टेंस S2 स्लिट से आने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स भी C पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते कवर करेंगी। तो ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं और ये वाली जो सेकेंडरी वेवलेट्स होंगी, क्योंकि ये बराबर डिस्टेंस कवर कर रही है तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना क्रिएट होगा, जीरो। इनके बीच में कोई भी पाथ डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। और आपको याद होगा जब भी दो लाइट वेव्स के बीच में जीरो पाथ डिफरेंस होता है तो ये वाली सिचुएशन होती है। अगर जीरो पाथ डिफरेंस होगा ना दो लाइट वेव्स के बीच में, तो इस तरीके से ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती है, एक ही पॉइंट पे ये मिलती है। और कौन सा सुपरपोजिशन होता है इनके बीच में, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है। अगर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा होगा दो लाइट वेव्स के बीच में तो आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, यानी कि स्क्रीन के सेंटर के ऊपर क्या मिलेगी आपको, मैक्सिमम इंटेंसिटी, जिसको हम ब्राइट फ्रिंज बोलेंगे। कौन से नंबर की ब्राइट फ्रिंज बनेगी, जीरो नंबर की ब्राइट फ्रिंज बनेगी स्क्रीन के सेंटर के ऊपर। ये जो सेंटर पे बनने वाली फ्रिंज है इसका नंबर क्या होगा, जीरो, जीरो नंबर की ब्राइट फ्रिंज बनेगी यहाँ पे। समझ में आया क्या ये, ठीक है। तो याद रखना है कि स्क्रीन के सेंटर पे हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनती है। अब स्क्रीन के ऊपर किसी दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो मैं इसको मिटा देता हूं यहाँ पे। मान लो कि ये कोई पॉइंट है पी, अब P पॉइंट के ऊपर कैसी फ्रिंज मिलेगी वो हम फाइंड करके देखेंगे। ये जो P पॉइंट है ये कितनी दूर है स्क्रीन के सेंटर से, मान लो ये X दूरी के ऊपर है, कितनी दूरी पे है, किसी X दूरी के ऊपर है, ठीक है जी। अब S1 स्लिट से जो सेकेंडरी वेवलेट्स चलेंगी जो P पॉइंट के ऊपर पहुंचेंगी और S2 स्लिट से जो सेकेंडरी वेवलेट्स P पॉइंट के ऊपर पहुंचेंगी, इनके बीच में एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। रीजन, क्योंकि S1 स्लिट से जो सेकेंडरी वेवलेट्स जा रही है उनको P पॉइंट तक पहुंचने में S1 P डिस्टेंस कवर करनी है, और जो S2 स्लिट से जनरेट हो रही है सेकेंडरी वेवलेट्स उनको अगर P पॉइंट पे पहुंचना है तो उनको S2 P डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। और ये जो S2 P डिस्टेंस है आप देख सकते हो S1 P से ज्यादा है, इसका मतलब ये डिस्टेंस कम है ये डिस्टेंस ज्यादा है। इसलिए जब ये दोनों लाइट वेव्स P पॉइंट के ऊपर पहुंच रही होंगी तो इनके पाथ, इनके बीच में एक पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा,
एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, मतलब एक छोटी डिस्टेंस है एक बड़ी डिस्टेंस है, उन दोनों डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है उसी को हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। जैसे अभी हमने स्क्रीन के सेंटर पे देखा था, तो स्क्रीन के सेंटर पे तो ये एक साथ पहुंच रही थी बराबर डिस्टेंस कवर करते हुए, तो ये कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कर रही थी। लेकिन अब इस पी पॉइंट के ऊपर जब सेकेंडरी वेवलेट्स जा रही होंगी तो इनके बीच में क्या क्रिएट हो गया, एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये डिस्टेंसेस अलग अलग कवर करनी पड़ रही है इनको। अब आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इन दोनों लाइट वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, उसी से पता चल पाएगा कि यहां पे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी या फिर डार्क फ्रिंज मिलेगी, उसी से हम पता कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इन दोनों जो ये जो दोनों पाथ है S1P और S2P इनका डिफरेंस फाइंड करना है, जिसको हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। ठीक है, पाथ डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। पाथ डिफरेंस मतलब S2P में से S1P माइनस कर दो, S2P माइनस S1P, इसी को हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। सिंपल सी बात है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे अब इसको, तो यहां पे हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं जिससे आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। मान लेते हैं कि ये एंगल छोटा है, काफी छोटा है, वेरी स्मॉल एंगल है। ये वाला एंगल क्या है, वेरी स्मॉल, ये हमने एज्यूम कर लिया। और स्मॉल एंगल्स के लिए आपको पता है कि अगर ये एंगल छोटा है तो इन दोनों लाइनों की लेंथ का डिफरेंस अगर आपको फाइंड करना है, जैसे एक एग्जांपल से बताता हूं, जैसे मान लो एक ये लाइन है एक ये लाइन है, अब दोनों लाइन छोटी बड़ी है इसमें, और ये एंगल यहां पे छोटा है, ठीक है, स्मॉल एंगल है यहां पे। तो अगर मुझे इन दोनों लाइनों की लेंथ का डिफरेंस बताना है तो इसके लिए एक सिंपल काम किया जा सकता है, इस छोटी लाइन से बड़ी लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। छोटी लाइन से क्या करेंगे, बड़ी लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। फिर ये परपेंडिकुलर जहां भी इस बड़ी लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, ये पॉइंट आ गया मान लो ए, तो इस ए पॉइंट के इधर ये मान लो पॉइंट ओ है, तो और ये पॉइंट मान लो बी है, तो ओ बी और ओ ए डिस्टेंस ये तो लगभग बराबर होंगी। ओ बी और ओ ए डिस्टेंस क्या होगी, लगभग बराबर। देख सकते हो आप, स्मॉल एंगल अगर है ये, तो छोटी लाइन से बड़ी लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये वाली जो डिस्टेंस आएगी और ये वाली जो डिस्टेंस आएगी ये ऑलमोस्ट बराबर होगी। तो ये डिस्टेंस बराबर, तो कितनी डिस्टेंस बची, ए सी मान लो इसको, ए सी डिस्टेंस बची। तो अगर मुझे इन दोनों लाइनों की लेंथ का डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब ए सी फाइंड करना है, तो मैं क्या करूं, छोटी लाइन से बड़ी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, जहां पे परपेंडिकुलर बड़ी लाइन को काटेगा उसके आगे की जो डिस्टेंस बचेगी वही क्या होगी, उन दोनों लाइन की लेंथ का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये टेक्निक हम यूज करेंगे यहां पे। यहां पे कैसे यूज करनी है ये, तो हमने बोला कि ये एंगल छोटा है, प्रैक्टिकली ये छोटा ही होता है वैसे एंगल, क्योंकि दोनों स्लिट्स के बीच में गैप काफी कम होता है, एक या दो सेंटीमीटर का ही गैप होता है। ये जो दोनों स्लिट्स हैं, रियल में अगर ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसमें आप देखते हो कि ये दोनों स्लिट्स बिल्कुल पास पास होती है, इनके बीच का डिस्टेंस होता है सिर्फ एक या दो सेंटीमीटर, इतना सा होता है, और स्क्रीन कम से कम एक या दो मीटर दूरी पर रखा जाता है, इतनी दूरी पे। तो जब ये दोनों सेकेंडरी वेवलेट्स, जो दोनों पॉइंट है उनसे जनरेट होने वाली जो सेकेंडरी वेवलेट्स है, जब पी पॉइंट के ऊपर पहुंचती है, तो इनके बीच में बनने वाला एंगल काफी छोटा बनता है, तो प्रैक्टिकली ये एंगल काफी छोटा होगा। और अगर ये एंगल छोटा है तो हम ये टेक्निक यूज कर सकते हैं इन दोनों लाइनों का डिफरेंस फाइंड करने के लिए, क्योंकि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पाथ डिफरेंस को। तो क्या करना है उसके लिए, छोटी लाइन से बड़ी लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, छोटी लाइन से बड़ी लाइन पे क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस तरीके से। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये जो पॉइंट अपने पास आया इसका नाम रख दिया हमने एम, और ये जो दोनों लाइनों का जो डिफरेंस है कौन, एस टू एम, यही होगा पाथ डिफरेंस जो आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां पे जो पाथ डिफरेंस है एस टू पी माइनस एस वन पी, वो किसके बराबर होगा, एस टू एम के बराबर होगा, एस टू एम ये वाली डिस्टेंस है इसके बराबर होगा। अब ये आपको कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल डी एंड कैपिटल डी, है ना, इनके टर्म्स में सॉल्व करके बताएंगे। अब कैसे सॉल्व करना है वो ध्यान से समझना। सबसे पहले ये एंगल एज्यूम कर लेते हैं, मान लो ये एंगल है थीटा, ये एंगल कितना है यहां पे थीटा, एंगल के ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है यहां पे, एंगल के सामने वाली जो साइड है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है क्योंकि यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था इसके ऊपर, तो ये 90 डिग्री एंगल है ना, तो एंगल के सामने ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस। क्या रिलेशन है दोनों में, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर एस टू एम डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, जो कि स्मॉल डी के बराबर है।
तो बताओ यहां से एस टू एम क्या आया, डी साइन थीटा के बराबर आ गया, यानी कि जो पाथ डिफरेंस अपने पास आ गया वो कितना है, एस टू एम के बराबर है, किसके बराबर है, एस टू एम के बराबर है। ठीक है जी, अब कैपिटल डी को भी फॉर्मूले के अंदर लेके आएंगे। अब वो कैसे लाना है वो ध्यान से समझना। अब यहां पे हमने ये मान रखा है कि जो एंगल्स वगैरह वो छोटे ही बन रहे हैं, और अगर एंगल्स छोटे हैं तो ये जो साइन थीटा है इसको हम टेन थीटा भी लिख सकते हैं, फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा ऑलमोस्ट किसके बराबर होगा, टेन थीटा के बराबर, यानी कि जो पाथ डिफरेंस है वो अपने पास आ जाएगा, जिसको मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो एस टू एम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो वह एस टू एम किसके बराबर आ जाएगा, डी टेन थीटा के बराबर। पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा के बराबर है, क्योंकि एंगल्स छोटे मान रखे हैं इसलिए साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, पाथ डिफरेंस बराबर होगा डी टेन थीटा के, किसके बराबर होगा, डी टेन थीटा के बराबर होगा। ठीक है जी, अब ये जो कैपिटल डी है इसको फॉर्मूले के अंदर लाना है। अब देखो कैसे लेके आएंगे, ये जो दोनों स्लिट का मिड पॉइंट है इसको मैं नाम दे देता हूं ओ, क्या नाम दिया इसको, ओ पॉइंट नाम दे दिया। अब ये जो ओ पॉइंट है यहां से मैं इस पी पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूं, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन आपने ड्रॉ करी है, ये वाली लाइन, ये इस वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना, और क्योंकि ये दोनों स्लिट काफी पास पास होती हैं, तो ये जो तीनों लाइनें हैं इनके बीच में एंगल काफी छोटा होगा, ऑलमोस्ट इनको पैरेलल मान सकते हो आप। वैसे तो पैरेलल नहीं दिख रही होंगी क्योंकि हमने ये डिस्टेंस ज्यादा दिखा रखी है, एक्चुअल में ये डिस्टेंस काफी कम होती है, तो ये ऑलमोस्ट अगर पैरेलल इनको मानोगे तो जो लाइन आपने इस वाली लाइन के ऊपर, ये वाली लाइन आपने इस वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है, तो वो यहां पे भी क्या एंगल बनाएगी, ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंगल बनाएगी, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल है। ठीक है, अब ये वाला जो एंगल है ये कितना है थीटा, ये एंगल कितना है 90, तो ये बाकी का जो बचा हुआ छोटा सा एंगल है ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, एक एंगल 90 है यहाँ पे, बाकी दो एंगल्स का सम कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। मतलब अब देखो एक वर्टिकल लाइन है ये और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये एंगल आपने बोला कितना 90 माइनस थीटा, तो ये जो छोटा सा एक बचा हुआ एंगल है ये वाला, ये कितना होगा, वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन टोटल एंगल कितना 90, ये वाला एंगल कितना 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा, ये होगा थीटा। दोबारा समझो, ये जो ऊपर छोटा सा एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है इसमें ये एंगल 90 है, ये थीटा हमने डिफाइन किया हुआ है, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, फिर ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये टोटल एंगल इतना ये टोटल एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री के बराबर बनेगा, उसमें से इतना एंगल आपने बोला कि ये 90 माइनस थीटा है, तो बाकी बचा हुआ एंगल कितना होगा, थीटा ही तो होगा, तो ये एंगल आ गया अपने पास में थीटा। तो ये जो एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है नाम रख दो इसका ओ सी पी, ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है इस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल थीटा के सामने ये वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड क्या होगी, बेस। क्या रिलेशन है दोनों में, परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है, टेन थीटा, इसलिए मैंने उसको साइन थीटा को टेन थीटा में कन्वर्ट किया था। तो टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, एक्स अपॉन कैपिटल डी, ये वाला डिस्टेंस कैपिटल डी है ना, तो जो पाथ डिफरेंस आएगा वो आएगा डी इंटू एक्स अपॉन कैपिटल डी, ये आ गया पाथ डिफरेंस, आया समझ में। तो इस तरीके से हमने इन दोनों लाइट वेव्स के बीच में जो एस वन और एस टू स्लिट से पी पॉइंट के ऊपर पहुंच रही होंगी उनके बीच का पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया बिल्कुल आसानी से। ठीक है, अब पाथ डिफरेंस तो कैलकुलेट हो गया, लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि पी पॉइंट के ऊपर ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क फ्रिंज। ठीक है, तो उसके लिए हम ये जो पाथ डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया है इसको मैच करवा के देखेंगे। अगर ये पाथ डिफरेंस ब्राइट फ्रिंज की जो कंडीशन होती है, पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होना चाहिए उसके लिए, अगर उसके बराबर सेट हो गया तो यहां पर आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, और अगर ये पाथ डिफरेंस डार्क फ्रिंज की जो कंडीशन होती है उसके लिए पाथ डिफरेंस होना चाहिए 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, अगर उसके बराबर सेट हो गया तो फिर आपको P पॉइंट के ऊपर डार्क फ्रिंज मिलेगी। जैसे मैं ब्राइट फ्रिंज के लिए बता रहा हूं, फॉर ब्राइट फ्रिंज जो पाथ डिफरेंस वो कितना होना चाहिए उसके लिए n लैम्डा होना चाहिए,
जो ब्राइट फ्रिंज है उसके लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, एन लेमडा। तो ये जो आपने कैलकुलेट किया है पाथ डिफरेंस डी एक्स अपॉन कैपिटल डी, इसको एन लेमडा के बराबर लिख दो, ठीक है, और इससे एक्स कैलकुलेट कर लो। तो एक्स क्या आएगा यहाँ पे, एन डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। अब ये एक्स क्या है, ये एन नंबर की जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी स्क्रीन के ऊपर उसकी स्क्रीन के सेंटर से डिस्टेंस है, इसलिए मैं इसको छोटा सा एन लगा के बता देता हूं। एक्स का मतलब है स्क्रीन के सेंटर से एन नंबर की जो ब्राइट फ्रिंज बन रही है पी पॉइंट के ऊपर उसकी डिस्टेंस, तो उसको एक्स एन करके लिख दिया याद रखने के लिए। तो ये आ गई अपने पास ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन। जैसे अगर आपको बताना हो कि फर्स्ट नंबर की जो ब्राइट फ्रिंज है वो स्क्रीन के सेंटर से कितनी दूरी पे बनेगी, तो एन की वैल्यू क्या पुट कर देंगे वहां पे, वन पुट कर देंगे। एन की वैल्यू वन पुट करो तो यह आ जाएगा एक्स वन इक्वल टू वन इन टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, यानी कि डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। अगर बोले जो थर्ड नंबर की ब्राइट फ्रिंज है उसकी स्क्रीन के सेंटर से डिस्टेंस बताओ, तो क्या करोगे, एक्स थ्री बराबर होगा थ्री डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। इस तरीके से एन की वैल्यू वो पुट करके सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से बताओ कि जो डार्क फ्रिंज बनेगी उसकी कंडीशन क्या होगी, फॉर डार्क फ्रिंज। तो डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस होना चाहिए कितना, 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2, ठीक है। अगर इतना पाथ डिफरेंस दो लाइट वेव्स के बीच में होता है तो फिर हमेशा डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है और उस पॉइंट के ऊपर आपको डार्क फ्रिंज मिलती है। तो ये जो पाथ डिफरेंस आपने कैलकुलेट किया है कितना, डी एक्स अपॉन कैपिटल डी, ये भी याद रखना है आपको कि पाथ डिफरेंस कितना आता है इंटरफेरेंस के अंदर, वो आता है डी एक्स अपॉन कैपिटल डी। उसको हम ब्राइट और डार्क फ्रिंज के लिए जो कंडीशन है उनके बराबर पुट करके हम जो एक्स की वैल्यू है वो फाइंड कर रहे हैं अभी। तो डार्क फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो इतना होना चाहिए। तो ये जो आपने पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया है डी एक्स अपॉन डी, अगर ये बराबर होगा किसके, टू एन माइनस वन लेमडा बाई टू के, तो आपको पी पॉइंट के ऊपर डार्क फ्रिंज मिलेगी, क्योंकि ये जो पाथ डिफरेंस है ये डार्क फ्रिंज की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग सेट हो गया, ठीक है, तो आपको डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो बताओ इससे एक्स की वैल्यू क्या आएगी निकल के, सॉल्व करोगे तो आएगा 2n माइनस 1 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन 2d, और ये n नंबर की डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन आएगी, तो x के नीचे छोटा सा n लगा देंगे यहाँ पे, आया समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से हम ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस स्क्रीन के सेंटर से कितनी दूरी पे बनेंगी वो दूरियां फाइंड कर सकते हैं इन फॉर्मुला को यूज करके, आसान है एकदम, ठीक है। देख के बताओ कोई डाउट है तो यहां तक पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बन रही है उनकी कंडीशन आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम ये फाइंड करते हैं कि जो ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस बनेंगी उनकी विड्थ कितनी होगी। अब हम क्या फाइंड करेंगे, जो ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस बन रही है स्क्रीन के ऊपर उनकी विड्थ कितनी होगी वो हम फाइंड करके देखेंगे। अब विड्थ कैसे फाइंड करनी है, तो मैं इधर लिख के बता रहा हूं, तो ये थोड़ा सा मिटा देता हूं इधर, ये देखो विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज। पहली बात तो ये कि विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज का मतलब क्या है, तो दो कंटिन्यूस ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज। और इसी तरीके से दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस, दो डार्क फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज। फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या है, दो कंटिन्यूस ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज। और दो डार्क फ्रिंजेस के बीच में जो कंप्लीट डिस्टेंस होगा, दो लगातार वाली दो कंटिन्यूस जो डार्क फ्रिंजेस होंगी उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज, आया समझ में। तो अगर मुझे फाइंड करना है विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दो कंटिन्यूस जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनके बीच का डिस्टेंस देखना पड़ेगा। जैसे एक तो एन नंबर वाली फ्रिंज मान लेते हैं और एक एन प्लस वन नंबर वाली फ्रिंज मान लेते हैं ब्राइट फ्रिंज, उनके बीच की दूरी फाइंड कर लो। अब वो दूरी कैसे फाइंड करेंगे, तो जो विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज है उसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। विड्थ ऑफ द ब्राइट या डार्क फ्रिंज को बीटा के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फॉर्मूला बन जाता है एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन। एक्स एन प्लस वन का मतलब है स्क्रीन के सेंटर से एन प्लस वन नंबर वाली जो ब्राइट फ्रिंज बन रही है उसकी डिस्टेंस, और एक्स एन का मतलब क्या है, स्क्रीन के सेंटर से एन नंबर की जो ब्राइट फ्रिंज बन रही है उसका डिस्टेंस, और दोनों का डिफरेंस जो होगा, दोनों की लेंथ का जो या डिस्टेंस का जो डिफरेंस आएगा अपने पास वही क्या होगा, वो होगा विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज जो उनके बीच में बनेगी। तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है इसके लिए। जैसे यहां पे एन नंबर की
सपोज करो ब्राइट फ्रिंज बन रही है और एन प्लस वन नंबर की ब्राइट फ्रिंज यहां पे बन रही है, एक्स एन प्लस वन या एन प्लस वन लिख देता हूं इसको, कौन से नंबर की, एन प्लस वन नंबर की ब्राइट फ्रिंज यहां पे बन रही है, तो स्क्रीन के सेंटर से ये जो दूरी आएगी इसको लिखा जाएगा एक्स एन प्लस वन, क्या लिखा जाएगा इसको, एक्स एन प्लस वन, तो इसमें से ये माइनस कर लो तो ये दूरी आ जाएगी अपने पास, और इसी दूरी को हम क्या बोल रहे हैं, विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज बोल रहे हैं, दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसी को हम बोलते हैं विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब एक्स एन की वैल्यू तो हमको पता है ब्राइट फ्रिंज के लिए एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी होती है, तो एक्स एन प्लस वन कितना होगा, तो सिंपली आपको एन की जगह क्या पुट करना है उसके लिए एन प्लस वन पुट करना है, तो ये जो एक्स एन प्लस वन है इसको कैलकुलेट करने के लिए वहां पे क्या करेंगे, एन की जगह एन प्लस वन पुट करेंगे, करो ये आएगा एन प्लस वन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी माइनस एक्स एन, एक्स एन की जगह तो ये सीधा छाप दो एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, आप इसको सॉल्व करो n इंटू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल d और ये n d लैम्डा अपॉन स्मॉल d ये तो हो जाएंगे कैंसिल और 1 इंटू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल d ये बचेगा, यानी कि जो फ्रिंज विड्थ है वो कितनी आएगी अपने पास, ये आएगी d लैम्डा अपॉन स्मॉल d के बराबर। और एक चीज नोटिस करो यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर कहीं भी n नहीं आ रहा है, मतलब कोई भी नंबर के डार्क फ्रिंज की विड्थ आप कैलकुलेट कर लो सबकी विड्थ बराबर आएगी, कोई भी नंबर की चाहे फिफ्थ नंबर की डार्क फ्रिंज हो चाहे थर्ड नंबर की डार्क फ्रिंज हो चाहे फर्स्ट नंबर की डार्क फ्रिंज हो, कोई भी नंबर के डार्क फ्रिंज की विड्थ आप फाइंड कर लो आंसर सबका क्या आएगा, सेम आएगा, कोई भी नंबर की आप डार्क फ्रिंज ले सकते हो सबके लिए जो फ्रिंजेस की विड्थ है वो क्या आएगी, बराबर आएगी, तो बीटा इक्वल टू क्या आएगा डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी आएगा, ये इसका मतलब है, बोलो आया कि नहीं आया, ठीक है आसान है एकदम। और इसी तरीके से अगर आपको बताना हो कि जो ब्राइट फ्रिंज है उसकी विड्थ कितनी होगी, विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज अभी हमने फाइंड करी है, अब हम फाइंड करने वाले हैं विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज। अच्छा ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कैसे फाइंड करोगे, तो उसके लिए फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन जो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ है उसको बताने के लिए आपको दो डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, तो जो डार्क फ्रिंज वाला फॉर्मूला है ना ये इससे हम वैल्यूज पुट करेंगे, मेन फॉर्मूला वही रहेगा लेकिन उसमें जब वैल्यूज पुट करोगे एक्स एन की या एक्स एन प्लस वन की वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करनी पड़ेंगी, करके बताता हूं देखो नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं इसको, विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज, जो ब्राइट फ्रिंज है उसकी विड्थ हम फाइंड करके देखेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, तो फॉर्मूला होगा बीटा इक्वल टू एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन। अब इसको यूज कैसे कर रहे हैं, देखो आपको पता है कि दो डार्क फ्रिंजेस के बीच में, दो डार्क फ्रिंजेस के बीच में हमेशा एक ब्राइट फ्रिंज बनती है, तो आप दो कंटिन्यूस वाली डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस फाइंड करोगे जिससे अपने पास क्या आएगी विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज जो बीच में बनेगी, तो आपको डार्क फ्रिंज वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डार्क फ्रिंज के लिए एक्स एन बराबर होता है टू एन माइनस वन डी लैम्डा अपॉन टू डी के बराबर, अगर एक्स एन इतना है तो एक्स एन प्लस वन कितना होगा, तो उसके लिए n की जगह n प्लस वन पुट कर देंगे, तो x n प्लस वन लिखा जाएगा 2 इंटू एन प्लस वन माइनस वन इंटू डी लैम्डा अपॉन टू डी, आया समझ में, n की जगह मैंने सिंपल क्या किया n प्लस वन पुट कर दिया। अब आपको फ्रिंज विड्थ फाइंड करनी है तो बीटा इक्वल टू क्या जाएगा, देखो x n प्लस वन ये x n प्लस वन की वैल्यू है, पुट करो इसमें 2 इंटू एन प्लस वन माइनस वन एन टू डी लैम्डा अपॉन टू डी, और इसमें से माइनस क्या करना है एक्स एन जो कि ये है टू एन माइनस वन डी लैम्डा अपॉन टू डी, ठीक है ये आया अपने पास में, ठीक है जी एक काम करते हैं थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं, ये आएगा टू एन प्लस टू माइनस वन एन टू डी लैम्डा अपॉन टू डी माइनस टू एन माइनस वन d lambda अपॉन में 2d, ये आया। अब ये जो 2n माइनस वन है इसको अलग कर लो 2n माइनस वन और इसको d lambda अपॉन 2d से मल्टीप्लाई करो, तो क्या बनेगा 2n माइनस वन इंटू डी lambda अपॉन 2d जो इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 2 बचेगा यहाँ पे 2 इंटू डी lambda अपॉन 2d जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा d lambda अपॉन स्मॉल d के बराबर, यानी कि चाहे ब्राइट फिंच की विड्थ कैलकुलेट करो या फिर आप डार्क फिंच की विड्थ कैलकुलेट करो
दोनों की विड्थ सेम ही आती है। जो ब्राइट फिंच की विड्थ है वो भी इतनी आई थी डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, और जो डार्क फिंच ब्राइट फिंच है उसकी विड्थ भी क्या आती है डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। चाहे ब्राइट फिंच की विड्थ कैलकुलेट करो चाहे डार्क फिंच की विड्थ कैलकुलेट करो, सबका आंसर क्या आएगा डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। और इसमें भी देखो एन नहीं आ रहा, इसका मतलब ये एन पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब फ्रिंजेस की जो विड्थ है वो एन पे डिपेंड नहीं करती है। एन पे डिपेंड नहीं करने का मतलब है कोई भी नंबर की आप ब्राइट या डार्क फिंच की विड्थ कैलकुलेट कर लो, सबकी विड्थ क्या आएगी सेम आएगी। ठीक है, आया समझ में ये? ठीक है, अब एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं इसके बारे में बताता हूं आपको जो आपको याद रखने हैं इंटरफेरेंस से रिलेटेड। देखो इंटरफेरेंस के अंदर क्या होता है, जो ब्राइट फिंच का जो फॉर्मूला है वो देखो ये है एक्स एन इक्वल टू एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, अगर आप इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर अगर व्हाइट लाइट यूज करोगे तो क्या होगा, नॉर्मली हम क्या करते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं, मतलब एक ही कलर की लाइट यूज करेंगे और उससे इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन मान लो आपने यहां पे व्हाइट लाइट का सोर्स लगा दिया, तो व्हाइट लाइट में सेवन कलर की लाइट मिक्स होती है। कौन कौन सी लाइट मिक्स होती है, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, और इधर से इधर जाने पे वेवलेंथ इंक्रीज होती जाती है, ये भी आपको पता है। तो अगर आप यहां पे व्हाइट लाइट का कोई भी सोर्स लगा दोगे, कैसे सोर्स लगा दोगे, व्हाइट लाइट का कोई भी सोर्स लगा दोगे तो उससे सेवन कलर की लाइट एमिट होगी जो कि आपस में मिक्स होती है इसलिए आपको व्हाइट दिखाई देती है। जब सेवन कलर की लाइट इन स्लिट्स के ऊपर गिरेगी तो यहां पे जो स्क्रीन है उसके ऊपर सेवन कलर के अलग अलग पैटर्न बनेंगे, अलग अलग कलर की जो लाइट है वो अलग अलग पैटर्न बनाएगी। क्यों, क्योंकि सबके लिए लैम्डा क्या है अलग अलग है, तो हर एक कलर की जो ब्राइट फ्रिंज है वो अलग अलग पोजीशन पे बनेगी। जो एक्शन की वैल्यू है वो लैम्डा के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो लैम्डा अगर बदलोगे तो एक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे अगर वॉयलेट कलर की बात करें तो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे कम होती है। अगर वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है, अगर वॉयलेट कलर के लिए लैम्डा सबसे कम है, तो उसकी फ्रिंजेस स्क्रीन के सेंटर के पास पास बनेंगी क्योंकि उसके लिए एक्शन की वैल्यू कम आएगी। लेकिन अगर रेड कलर की बात करें तो उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो लैम्डा ज्यादा होने से एक्शन की वैल्यू ज्यादा आएगी। जैसे फर्स्ट नंबर की ब्राइट फिंच के लिए आपको पोजीशन फाइंड करनी है, तो वॉयलेट कलर के लिए फर्स्ट जो ब्राइट फिंच है उसकी जो दूरी आएगी उसके लिए लैम्डा आप वॉयलेट कलर के लिए पुट करोगे, फिर आप रेड कलर के लिए फर्स्ट ब्राइट फिंच की पोजीशन फाइंड करोगे तो उसके लिए लैम्डा आपको रेड कलर वाला पुट करना पड़ेगा, तो उससे आपके पास एक्स वन की वैल्यू रेड कलर के लिए अलग आएगी जो कि ज्यादा आएगी पहले से, क्योंकि लैम्डा उसके लिए ज्यादा है ना, तो एक्स वन की वैल्यू क्या आएगी रेड कलर के लिए वॉयलेट कलर के कंपेरिजन में ज्यादा आएगी। ये चीज समझ में आई क्या? इसका मतलब ये है कि जो स्क्रीन है उसके ऊपर अलग अलग कलर की जो फ्रिंजेस हैं वो अलग अलग पोजीशन पे बन रही होंगी। जैसे फर्स्ट नंबर की वॉयलेट कलर की फ्रिंज अलग पोजीशन पे बनेगी, रेड कलर की फ्रिंज अलग पोजीशन में बनेगी, येलो कलर की फ्रिंज अलग पोजीशन में बनेगी लैम्डा के अकॉर्डिंग, तो आपको पूरा जो स्क्रीन है वो कलरफुल दिखेगा, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, स्क्रीन के सेंटर के ऊपर कैसी फ्रिंज बनेगी, तो जो स्क्रीन का सेंटर है वहां पे हर एक कलर की ब्राइट फ्रिंज बनेगी जीरो नंबर की, और जब सारे के सारे कलर स्क्रीन के सेंटर के ऊपर ऐड होंगे तो वापस से कौन सा कलर बन जाएगा व्हाइट बन जाएगा। इसका मतलब स्क्रीन के सेंटर के ऊपर आपको कैसी फ्रिंज दिखाई देगी, व्हाइट कलर की फ्रिंज दिखाई देगी। कौन सी फ्रिंज दिखेगी, व्हाइट कलर की फ्रिंज दिखाई देगी, याद रखना ये। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या? ठीक, इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करते हैं। देखो जो फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे अभी वो लिख देता हूं एक बार। जैसे एन नंबर की जो ब्राइट फ्रिंज है उसके लिए फॉर्मूला आया था, ब्राइट फ्रिंज के लिए फॉर्मूला आया था एक्स एन इक्वल टू एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, और डार्क फ्रिंज के लिए पोजिशन का फॉर्मूला आया था एक्स एन इक्वल टू टू एन माइनस वन डी लैम्डा अपॉन टू डी, ये फॉर्मूला अपने पास निकल के आया। ठीक है, अब अगर आप व्हाइट लाइट यूज करोगे तब क्या होगा, तो व्हाइट लाइट के लिए आपको बताया कि उसमें सेवन कलर की लाइट मिक्स होती है, और सेवन कलर की लाइट के लिए जो लैम्डा है वो अलग अलग होता है। जैसे ये जो सेवन कलर की लाइट है इसमें वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो लैम्डा इंक्रीज होता है, तो अलग अलग कलर की लाइट के लिए क्योंकि लैम्डा अलग अलग है इसलिए आपको स्क्रीन के ऊपर जो पैटर्न दिखेगा वो अलग अलग कलर की लाइट का अलग अलग पोजिशन पे दिखेगा। व्हाइट लाइट में सेवन कलर की लाइट मिक्स है तो उससे सेवन पैटर्न्स बनेंगे स्क्रीन के ऊपर, उसमें कुछ फ्रिंजेस ओवरलैप भी कर रही होंगी, इस तरीके से पैटर्न दिखाई देगा। सबसे पास पास जो फ्रिंजेस बनेंगी
वो वाली फ्रिंजेज होंगी जिनके लिए लैम्डा सबसे कम है, क्योंकि लैम्डा कम होगा तो फ्रिंजेस की जो पोजीशन है वो पास पास आएगी, यानी कम डिस्टेंस पे आएगी लैम्डा कम होने से। तो वॉयलेट कलर की फ्रिंजेज स्क्रीन के सेंटर के पास पास बनेंगी, जबकि रेड कलर की लैम्डा सबसे ज्यादा है तो इसकी फ्रिंजेस स्क्रीन के सेंटर से दूर दूर बनेंगी, इस तरीके से पैटर्न बनेगा, ठीक है। और स्क्रीन के सेंटर पे कैसी फ्रिंज बनेगी, तो सेंटर के ऊपर हर एक कलर की ब्राइट फ्रिंज बनेगी जीरो नंबर की, इसलिए सारे के सारे कलर मिक्स होकर वापस से कौन सा कलर बना लेंगे, व्हाइट। तो स्क्रीन का सेंटर आपको व्हाइट ही दिखेगा, तो अगर आप व्हाइट लाइट यूज करोगे तो आंसर क्या होगा इसका कि कैसा पैटर्न बनेगा, तो स्क्रीन आपको कलरफुल दिखेगा लेकिन सेंटर पे हमेशा व्हाइट फ्रिंज बनेगी, ठीक है, व्हाइट कलर की ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ठीक है जी। ये तो पहला पॉइंट बताया आपको। सेकंड पॉइंट देखो, मान लो कि आप इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर क्या करते हो, जो दोनों स्लिट हैं उनमें से किसी एक स्लिट के सामने आप ग्लास का स्लेब रख देते हो। ये ग्लास का स्लेब रख दिया, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है और इसकी थिकनेस मान लो टी है। ये लाइट का सोर्स यहाँ पे रखा हुआ है, ये स्लिट S1 मान लो, ये स्लिट S2 मान लो। जब तक आप किसी एक स्लिट के सामने ग्लास का स्लेब नहीं रखोगे तब तक आपको पैटर्न कैसा दिखेगा, स्क्रीन के सेंटर के ऊपर ब्राइट फ्रिंज बनेगी, फिर अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनती जाएंगी। अगर आपने किसी भी एक स्लिट के सामने ग्लास का स्लेब रख दिया तो पूरा का पूरा पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जिस साइड में आप ग्लास का स्लेब रखोगे उस साइड में शिफ्ट हो जाता है पैटर्न। तो कितना शिफ्ट होगा ऊपर, क्योंकि ऊपर वाली स्लिट के सामने रखा है ग्लास स्लेब, तो ये ऊपर शिफ्ट होगा। और कितना शिफ्ट होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू बीटा अपॉन लैम्डा इंटू म्यू माइनस वन इंटू टी। ये फॉर्मूला यूज करके आप वो शिफ्ट कैलकुलेट कर सकते हो कि पूरा का पूरा पैटर्न कितना ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अच्छा, दूसरी चीज आपको ये पूछी जा सकती है इसके अंदर कि अगर हम ये जो पूरा का पूरा इंटरफेरेंस एपरेटस होता है अगर इसको किसी लिक्विड में डुबो दें तो फिर पैटर्न के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर आप पूरे के पूरे एपरेटस को, पूरे के पूरे सिस्टम को किसी लिक्विड में डिप कर दोगे तो उससे जो लाइट की वेवलेंथ है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि लाइट जब वैक्यूम में या एयर के अंदर ट्रेवल करती है तो उसकी वेवलेंथ अलग होती है, और जब वो किसी मीडियम से पास होती है तो उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। कितनी चेंज होगी, तो मान लो लैम्डा वेवलेंथ की लाइट थी और अगर वो किसी म्यू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में जा रही है तो उसकी वेवलेंथ हो जाती है लैम्डा अपॉन म्यू के बराबर। लैम्डा डेज कितना हो जाएगा, लैम्डा अपॉन म्यू के बराबर हो जाएगा। अगर मान लो एयर से लाइट जा रही है पानी के अंदर तो पानी का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है उतने टाइम्स वेवलेंथ कम हो जाएगी, लैम्डा अपॉन म्यू हो जाएगी वेवलेंथ, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूले हैं ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस के, इनमें देखो इनके अंदर लैम्डा आ रहा है, तो अगर लैम्डा चेंज हो गया वहां पे तो इसका मतलब जो ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस है उनकी पोजिशन भी चेंज हो जाएगी और उनकी विड्थ भी चेंज हो जाएगी। जैसे फ्रिंजेस की विड्थ का फॉर्मूला हमने पढ़ा था बीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। अगर आपने पूरा का पूरा इंटरफेरेंस एपरेटस किसी लिक्विड में डिप कर दिया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, लैम्डा लैम्डा अपॉन म्यू के बराबर हो जाएगा मीडियम के अंदर। और लैम्डा अगर कम हो गया, क्योंकि म्यू की वैल्यू हमेशा वन से ज्यादा होती है डेंसर मीडियम के लिए एयर या वैक्यूम की कंपेरिजन में, तो जो लैम्डा है वो डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए जो फ्रिंजेस की विड्थ है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब जो फ्रिंजेस की विड्थ है उसको लिखा जाएगा कैपिटल डी, लैम्डा की जगह लैम्डा अपॉन म्यू आ जाएगा, अपॉन में स्मॉल डी भी लिखना है। तो इस तरीके से फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे फ्रिंजेस की विड्थ कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप पूरे के पूरे एपरेटस को किसी लिक्विड में डिप कर दोगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, जो फ्रिंजेस की विड्थ है वो म्यू टाइम्स कम हो जाएगी। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, बीटा डैश हो जाएगा बीटा अपॉन म्यू के बराबर, यानी कि म्यू टाइम्स फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो जाती है। बोलो आया क्या समझ में, कोई डाउट यहां तक, ठीक है।